शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपने और आपके पूरे परिवार ने एक सीट के लिए एक लड़की को उठाया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना, खानदान खत्म कर देंगे आपका। श्रावणी, श्रावणी अंदर आग में फंसी हुई। श्रावणी बीवी, बीवी बीवी, कैसे पहुंची? क्या हुआ था? यहां कैसे लगी गोदाम में? पहले आप डॉक्टर को बुलाइए। बीबी, बीबी, अम्मा, चंद्र, माँ, नेत्र, अरे कहां रह गए सब? स्वीटी, जल्दी आओ। अरे चुटकी, तुम ठीक हो? शबनी, क्या हुआ इसे? शबनी, शबनी, बेटा। अरे हमें फोन आया था तो पता चला गोदाम में आग लगी है, तो हम वहां पहुंचे तो देखा कि श्रावणी आग में फंसी हुई थी। वो तो शिवांश ने बाहर निकाल लिया, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कुछ। अपने बेटे से कहा नहीं पूछते? क्या बके जा रहे हो तुम? क्या किया बंटी ने? डॉक्टर आप देखिए श्रावणी को। बंटी क्या कह रहा है? बाबा हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि श्रावणी वहां पे थी। तो ये शिवांश क्या कह रहा है? हम आपको सब बताते हैं चाची, एक बार उसको होश आने को बस। इनके लंग्स में काफी धुआं भर चुका है, रेस्पिरेटरी अटैक कभी भी हो सकता है, पल्स भी काफी कम है और अस्पताल ले जाने का समय नहीं हमारे पास। तो फिर इन्हें रेस्क्यू ब्रीथिंग देना होगा। क्या?
ये शादीशुदा है? हाँ, हम पति इनके। गुड, आप इन्हें सीपीआर दीजिए। ये क्या नया नाटक है? कोई और तरीका नहीं है? हमारा मतलब है कि देखिए, आप घबराइए मत, ये बहुत आसान सा प्रोसीजर है, हम इन्हें समझा देंगे। फिलहाल हमारे पास समय नहीं है, जितना जल्दी इनको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही इनके लिए बेहतर रहेगा, वरना इनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। शिवांश, डॉक्टर साहब जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। प्लीज कम ऑन, जल्दी जल्दी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ, साइड दीजिए प्लीज, चलिए उठो, देखो। आप देख क्या रहे? हम डॉक्टर है, हमारे सामने झिझकने की जरूरत नहीं है। आप इनके पति है ना? नहीं, मतलब हाँ, हम ही है। हाँ तो प्लीज जल्दी कीजिए। अच्छा, हम आपको प्रोसेस समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके नाक को इस तरह से स्क्वीज करेंगे हम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से ऑक्सीजन देना शुरू कीजिए। ठीक है, आओ जल्दी करो, टाइम नहीं हमारा बचाओ। जैसा मैंने समझाया एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए। हमारे पास समय नहीं है, प्लीज जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई थिंक होश आ गया है। स्नेहा, आराम से। स्नेहा ठीक है? हाँ श्रवणी जी, आपके लंग्स में काफी धुआं फैल गया है, लेकिन अब लग रहा है कि आप ठीक है। आप प्लीज लेट जाइए, मुझे थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा आपका। आराम से, और कोई प्लीज बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए जरा सर। आराम से प्लीज, पानी लाइए। श्रवणी को होश आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग मिल सकते हैं, आइए। डॉक्टर साहब कैसी है अभी? शी इज फाइन नाउ, मगर इन्हें आराम की जरूरत है। जी स्नेहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, इंश्योर कीजिएगा ये टाइम पर लेती रहे। जी डॉक्टर साहब। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। ये बताइए कि आग लगाई किसने और हमारी बच्ची पहुंची कैसी वहां? स्नेहा को क्यों गोदाम लेके गया और कौन था? ये आवाजें कैसी? अगर छुट्टी को कुछ हो जाता ना तो हम छोड़ते नहीं बड़के ठाकुर। हाँ, तुम क्या वहां खड़ी हो? आ जाओ। श्रवणी, तुम क्यों आ गई यहाँ पर?
तुम उठ के यहाँ का आ गई, आराम करो, जाओ चलो। दुल्हन तुम भी यहाँ हो और तुम्हारे ताऊजी भी यहाँ हैं, तो ताऊजी के सामने बताओ उनके गोडाउन में तुम क्या कर रही थी। इसका जवाब तो ये साले साहब देंगे। हाँ, हम इन्हें बंद किया था स्नेहा को बाबा के गोडाउन में। लेकिन ये आग कैसे लगी है हम नहीं जानते। तुम काहे बंद किए स्नेहा को गोदाम में? अरे बाबा, तो हम और क्या करते। आपने देखा नहीं ये शिवांश कैसे श्रवणी की सीट अपनी लाडली बहन को दे रहा था। सब इसकी गलती है। बंटी, दूसरों पर उंगली उठाने से खुद की गलती कम नहीं हो जाएगी। इस हवेली में लड़की उठाने का रिवाज नहीं है। ये किस मिट्टी की बनी हो तुम? इस स्नेहा की मदद कर रही हो, इसके लिए लड़ रही हो? जानती हो इसने क्या कहा तुम्हारे बारे में? इसने कहा कि दाखिला करवाने से कुछ नहीं होगा, हम श्रवणी को एक दिन भी कॉलेज नहीं जाने देंगे। जैसे कि इसके भाई ने तुमसे ब्याह करके, वो भी जबरदस्ती, तुम्हारी जिंदगी खराब करके कोई कसर छोड़ दियो जो कि ये पूरा करने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम लड़की उठाओगे? वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। भाई बिटिया को उठा के ले गया और बहन बचाने का ढोंग कर रही है। ए? आप पहले अपने पोते के गुनाह गिनिए और शुक्र मनाइए, क्योंकि अगर श्रवणी वहां नहीं होती ना, तो स्नेहा जिंदा नहीं खड़ी होती। और हम आपके पोते की तरह गलीच और नीच नहीं है। हमने स्नेहा के साथ कोई गलत सलूक नहीं किया, वरना अब तक जो शिवांश ने श्रवणी के साथ किया है उसका बदला लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। बंटी, श्रवणी, बातें अपने मुंह से निकाली कैसे तुमने किसी लड़की के लिए? तुम्हारी खुद की दो बहनें हैं, क्या यही संस्कार मिला है तुम्हें? श्रवणी, बंटी पूरी तरह गलत नहीं है। उसने तुम्हारे लिए किया जो कुछ भी किया, इस हद तक वो सिर्फ तुम्हारे लिए गया। वो ही तुम्हारा एक भाई है ना, अब तो हमें अपनों में और परायों में फर्क दिख ही नहीं रहता है जी। हर वो चेहरा जिन्हें हम अपना समझते थे, वो सब अब प्यार की आड़ में एक दूसरे से बदला लेने लगे हैं। मजबूर कर रहे हैं एक दूसरे को। बस बहुत हुआ, कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहा। अगर हम पट्टी की जगह होते हम भी यही करते। ताऊ जी, आपने देखा नहीं बल्टी ने कितना गलत काम किया है? तुमने नहीं देखा कि उसने ऐसा काहे किया? हो सकता है उसका तरीका गलत है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। एक भाई अपनी बहन को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, मगर हमें बहुत अफसोस है। या तो तुम समझ नहीं पा रही, या तुम समझना नहीं चाह रही। नहीं ताऊ जी, हमें लगता है इस बार आप सही नहीं कह रहे। क्योंकि इरादा चाहे जितना भी नेक हो, लेकिन एक लड़की का अपमान ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। श्रवण,
आज हम तुम्हारे लिए गलत हो गए। तुम जिन लोगों के साथ मिली हो ना, उनके इरादे और उनके तरीकों का क्या क्या ख्याल है उसके बारे में? जब तुम्हारा अपमान हो रहा था तब लड़की का अपमान नहीं हुआ क्या? ये क्या काया पलट हो गई है दीदी की? ये तो शिवांश की तरफ हो गई पूरी तरह से। गजब है भाई, खाजा खाना भी नहीं है और रखना भी है। बोलो। समझ गया, तो फैसला कर चुकी हो ना कि ये लोग चाहे जितने गलत हो जाए तुम उन्हीं के साथ खड़ी रहोगी। समझ कर। बड़के ठाकुर, हमारी ही बात सुनते जाइए, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपके बेटे को अंदर करवा के रहेंगे। हाथ लगा के देखिए आप हमारे बेटे को, फिर हम देखते हैं आपको अंदर करवाएंगे। ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना हो। एक मिनट, हमारी बात भी कान खोल कर सुन लो। आज जो तुम किए हो ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल किए हो, सबसे बड़ी। शिवान, शिवान, क्या कर रहे हो? शिवान, नहीं, तुम्हारी बहन ने बचा लिया आज तुमको। वो तो अच्छा हुआ कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, वरना आज सिर्फ औरतों पे जोर जबरदस्ती करना आता है तुमको। आंटी, समझाओ से। आंटी, माफ कर दो, हमें तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते जब हमें पता चला कि तुम भी ये सब। स्नेहा से माफी मांगनी चाहिए। क्या हमें स्नेहा से माफी मांगनी चाहिए? बंटी, जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, लेकिन तुम देख क्यों नहीं रहे हो? शिवान से हमारे लिए बदला लेने के चक्कर में तुम खुद उसके जैसे होते जा रहे। हाँ, बनते जा रहे हम उसकी तरह। हमें जो ठीक लगा हमने वो किया, जैसे कि तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया। तुमने भी तो हमारी कहा सुनी। बंटी, पहले जैसे हो जाओ, जैसे हमारा भाई हुआ करता था, प्लीज। पहले तो हम एक ही टीम में थे ना, हर काम साथ में,
बचना तुमने की मतलब श्रवणी, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ तुम और ना हम, एक मौका हाथ से चला गया, श्रवणी का दाखिला हो गया, लेकिन एक नया मौका हाथ लगा है जिससे भानु जी और बंटी से इस श्रवणी को हम हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कहाँ बात है? हम आपके बेटे बंटी को गिरफ्तार करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि उसने एक लड़की को अगवा किया था। इंस्पेक्टर साहब, किससे लिखवाई रिपोर्ट? श्रवणी ठाकुर। हमारी बेटी तो अपनी ताऊ जी के लिए, अपने भाई के लिए, इस परिवार के लिए जान देती थी, और तू अपने परिवार को भूलकर अपने ससुराल को सब कुछ मान लिया। नहीं पहचानते हम तुमको। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, साहब रुक जाइए। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।